स्कोप एटींथ अप्रैल टिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल टू थाउजेंड ट्वेंटी टू यह आने वाला वीक अठारह uh, अप्रैल से लेके चौबीस अप्रैल दो हजार बाईस ये वीक आपके लिए क्या लेकर आएगा एर इज वीकलूजन एटीन अप्रैल टिल ट्वेंटी फोर्थ ऑफ अप्रैल द कमिंग वीक एरीज इस आने वाले वीक का कंक्लूजन एरीज के लिए ये क्या लेकर आएगा इस पूरे वीक के अंदर आप बिजी बहुत होंगे बहुत सारी एफर्ट्स आप लगाएंगे और उन एफर्ट्स के बहुत अच्छे रिवार्ड आपको मिलेंगे फाइनेंशियल और प्रोफेशनल अपॉर्चुनिटीज जगह जगह पे आपको मिल जाएंगी इस पूरे वीक के अंदर एरीज इस आने वाले वीक के अंदर मैं ये भी कहना चाहूँगा ये वीक इस तरह का है? कि आप प्रोफेशनल क्वालिफाइड डिसीजन मेकर लोगों से आपकी मुलाकातें होंगी ऐसे वो तमाम लोग जिनसे आपको बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं एरिस के लिए इस पूरे वीक के अंदर जो आप चाहते हैं उसको आप अकम्पलिश करने में कामयाब हो जाएंगे और डिग्निफाइड पोजीशन को हासिल करेंगे एरिस के लिए इस पूरे वीक के अंदर भागदौड़ बहुत होगी बहुत ज़्यादा ट्रैवल अराउंड भी करना पड़ेगा और बहुत सारी प्रोफेशनल अनसर्टिनटी से गुजरना पड़ेगा ये काम होगा ये काम नहीं होगा ये हो जाएगा ये नहीं होगा इस तरह की कश्मकश कश्म बहुत होगी इस पूरे वीक के अंदर भाई बंधुओं से कोई ना कोई सहायता मिलती रहेगी और ये टाइम पीरियड उन सभी लोगों के लिए अच्छा है जिनके पास जॉब है जो एम्प्लॉयड है और इस पूरे वीक के अंदर आपकी कोई इनकम की रिसोर्सेज की राइज होने की पोजीशन इंप्रूव होने के बड़े अच्छे चांसेस बनते हैं इस पूरे वीक के अंदर धन संपदा मिलेगी अच्छे मौके आपके हाथ में आएंगे हालात में इम्प्रूवमेंट होगी और रूटीन जो आपका है उसमें भी बड़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट होगी पर्सनल लाइफ को लेके। इस पूरे वीक के अंदर प्रोफेशनली स्टेटस में राइज़ होगी प्रेशर में इम्प्रूवमेंट होगी रिस्पेक्ट आपकी बढ़ेगी मेरा ये भी मानना है कि ये जो पूरा वीक है आपके लिए अकम्पलिशमेंट लेके आएगा तरक्याँ लेके आएगा और वो नज़र आएंगी लेकिन इस पूरे वीक के अंदर एरीज को ये भी कहना चाहूँगा अपनी रेपुटेशन का ध्यान रखें ये ना हो कि कोई पास में आपने कोई ऐसा कर्म किया हो जो आपके कामकाज की जगह पे या पब्लिक प्लेस पे आके बैठ जाए उसकी वजह से आपकी रेपुटेशन के अंदर डैमेज आए या कहीं पे आपने झूठ बोला हुआ है वो पकड़ा जाए यहाँ पे उस बात को लेके थोड़ी बहुत किसी बात पे आप एक्सपोज हो सकते हैं कोई सच और झूठ का फैसला कहीं पे आ सकता है उसकी वजह से आप थोड़े बहुत इरीटेट कर सकते हैं कई बार आप कुछ कर्म से पछतावा भी करेंगे और बड़े उस कई लोगों के साथ उस वजह से बहुत ज़्यादा बहसबाजी भी हो जाएगी आर्गूमेंट भी हो जाएंगी लेकिन मैं ये भी कहना चाहूँगा इस समय आपके हाथ में जो भी काम आप लेके बैठे हुए हैं उस पर फोकस करें भागदौड़ बहुत होगी और एफर्ट डालेंगे रिज़ल्ट अच्छे मिलेंगे और ये भी कहना चाहूँगा अपने आप को पर्सनल लड़ाई झगड़ों से दूर रखें वो लड़ाई झगड़े आपके फ्रेंड्स के साथ भी हो सकते हैं परिवार के साथ भी हो सकते हैं और हर बात पे इरीटेट ना करें बहुत बार ऐसा होता है कि सब चीज़ें आपके मन के मुताबिक नहीं होती लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप बहुत ज़्यादा ओवर रिएक्ट करें या उस पर लड़ाई झगड़ा शुरू कर लें हाँ थोड़ी बहुत बैक ऑफ योर माइंड टेंशन बहुत होंगी इस पूरे वीक के अंदर कहीं ना कहीं आपके और जीवन साथी के बीच में कुछ खटपट होगी या कई बार सब कुछ चीज़ें उतनी हारमोनियस नज़र नहीं आएंगी हाँ अगर आप टेंपर लूज़ ना करें और अपनी पेशेंस को एक्सरसाइज कर लें फिर ठीक है अगर आप हर बात पे ओवर एक्ट कर रहे हैं पेशेंस को एक्सरसाइज नहीं कर रहे हर बात पर आप हर गुस्सा आपकी नाक पर रखा हुआ है फिर आप लड़ाई करते जाएंगे, झगड़ा करते जाएंगे, फिजूल बातों पे जहाँ पे नहीं भी आपको बहस करनी चाहिए वहाँ पे आप बहस शुरू करेंगे लोग आपको चैलेंज करेंगे आप भी लोगों को चैलेंज करेंगे वो ना करें इस समय थोड़ा अपने आप को थोड़ा काम रखें तो बहुत अच्छा लाइक के लिए इसको बेल को दोबारा ना भूलें अगर आप हमारे इस कंटेंट को दोस्तों मित्रों परिवार के साथ शेयर करें तो बहुत शुक्रिया लेकिन अगर आप हमारे सब्सक्राइबर बने और तब हम आपसे बहुत सारे कंटेंट शेयर कर सकते हैं मंथली हॉरस्कोप पूरे साल का हॉर्स्कोप राहु केतु के ट्रांजिट का फल आपके लिए क्या होगा बृहस्पति के ट्रांजिट का इफेक्ट आपके लिए क्या होगा शनि के गोचर का फल आपके लिए क्या होगा और साथ में हमारी लाइव स्ट्रीमिंग जो शो हम देते हैं थ्री टाइम्स ए वीक जो चार शो होते हैं एवरी वेटने से बारह से दो एवरी यू के टाइम और दोपहर को और फ्राइडे बारह से दो दोपहर को यू के टाइम और संडे हमारे दो शो होते हैं पहला शो होता है यू के टाइम बारह से दो दोपहर को उसके बाद तीन बजे से पाँच बजे यू के टाइम शाम को और उस लाइव शो होती है उस पार्टिसिपेट करें कंसल्टेशन लें लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप कोई बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन बनाने जा रहे हैं इस पूरे वीक के अंदर कोई इंपॉर्टेंट मीटिंग होने जा रही है कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात हो रही है और अगर आप चाहते हैं कि इस पूरे वीक की सपोर्ट के अंदर आप कुछ लेना चाहते हैं गाइडेंस लेना चाहते हैं तो उसके लिए फिर कंप्लीट हॉरोस्कोप की रिपोर्ट लें जो आप वेबसाइट पर जाएँ और कंप्लीट एनालिसिस जो वीकली हॉरोस्कोप का रिपोर्ट होता है उसको आप हासिल करें उसमें आपको एक वीकली एनालिसिस पूरे वीक का मिलेगा और साथ में उस पूरे वीक के उपाय क्या हैं प्रिकॉशंस क्या हैं मंत्र साथ हैं जो बूज के लिए आप ले सकते हैं अगर आप चाहें उस पूरी वीकली हॉरोस्कोप की रिपोर्ट हमारे वेबसाइट प्रकाश पे जाके ले लें उसको इम्प्लीमेंट करें एंड अचीव योर बेस्ट